शीर्षक है और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, और फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना कोई भाई ना बेटा ना भतीजा ना गुरु, एक ही शक्ल उभरती है हर आईने में, आत्मा मरती नहीं जिस्म बदल लेती है, धड़कन इस सीने की जा छुपती है उस सीने में। जिस्म लेते हैं जन्म जिस्म फना होते हैं, और जो एक रोज फना होगा वो पैदा होगा। एक कड़ी टूटती है दूसरी बन जाती है, खत्म ये सिलसिलाए जिंदगी फिर क्या होगा। रिश्ते 100, जज्बे भी 100, चेहरे भी 100 होते हैं, ये 100 कवरों के रेफरेंस में लिखा हुआ है। रिश्ते 100, जज्बे भी 100, चेहरे भी 100 होते हैं, फर्ज 100 चेहरों में शक्ल अपनी ही पहचानता है, वही महबूब वही दोस्त वही एक अजीज, दिल जिसे इश्क और इदराक अमल मानता है। जिंदगी सिर्फ अमल सिर्फ अमल सिर्फ अमल, और ये बेदर्द अमल सुलह भी है जंग भी है। अमन की मोहिनी तस्वीर में है जितने रंग, उन्हीं रंगों में छुपा खून का एक रंग भी है। खौफ के रूप कई होते हैं अंदाज कई, प्यार समझा है जिसे, खौफ है वो प्यार नहीं। उंगलियां और गड़ा और जकड़ और जकड़, आज महबूब का बाजू है ये तलवार नहीं। जंग रहमत है कि लानत ये सवाल अब ना उठा, जंग अब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी, दूर से देख ना भड़के हुए शोलों को जलाल, इसी दोजख के किसी कोने में जन्नत होगी। जख्म खा जख्म लगा, जख्म है किस गिनती में, फर्ज जख्मों को भी चुन लेता है फूलों की तरह, ना कोई रंज ना राहत ना सिले की परवाह, पाक हर गर्द से रख दिल को रसूलों की तरह। ये पड़ोसी जो मोहब्बत का चलन भूल गए, ये पड़ोसी जो मोहब्बत का चलन भूल गए, इनमें भाई भी हैं बेटे भी हैं अहबाब भी हैं, जानते हैं सभी कुछ नहीं हथियार मगर, हमसे लड़ मरने को तैयार भी बेताब भी हैं, हमने चाहा था रहे साथ दिलो जां की तरह, वो मगर इसको सियासत ही सियासत समझे, हमने चाहा था अलग होके भी नजदीक रहे, वो मगर इसको कोई ताजा शरारत समझे, हमने चाहा था लड़ाई न छिड़े जंग न हो, वो समझ बैठे कमजोर हैं लाचार हैं हम, हमने चाहा था मोहब्बत से चुका लें झगड़े, वो समझ बैठे मफलूज हैं बेकार हैं हम। कितनी तारीक समझ कितना गिरा ख्वाब जमीर, कि जगाना कोई चाहे तो जगाए न बने, असलहे सिर पे उठाए हुए यों फिरते हैं, कोई पूछे कि क्या है तो छुपाए न बने। हम अहिंसा के पुजारी सही, हम अहिंसा के पुजारी सही दीवाने सही, जंग होती है फकत जंग के ऐलान के बाद, हाथ भी उनसे मिले दिल भी मिले नजरें भी, अब ये अरमान है सब फतह के अरमान के बाद। साथियों दोस्तों हम आज के अर्जुन ही हैं, हमसे भी कृष्ण यही कहते हैं, हमसे भी कृष्ण यही कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें दिस इज भारत पाकिस्तान की जो जंग है, तो पार्टीशन की बात आ गई, कवरों की लड़ाई की बात आ गई, और गांधी जी का अहिंसावाद भी आ गया। एंड कैफी आजमी कभी भी जंग के हक में नहीं थे, वो हमेशा ही अहिंसा के पुजारी रहे हैं, और ही वाज अ रोमांटिक पोएट, वेरी वेरी रोमांटिक पोएट, बट वी ऑल नो व्हाट बहुत खूब बहुत खूब। ये तो हैपेंस। पूरा जैसे गीता का सार आपने एक उर्दू गीता शायरी के का सार अंदर, है, उर्दू गीता का शायरी सार में उर्दू में, कैन यू कमाल का है। इमेजिन, गीता का सार उर्दू में कैफी आजमी का लिखा। बट माय गॉड। अच्छा, इफ यू मे नो कि ये कब की शायरी है, मतलब कब तक, कब की रही होगी, 60s की होगी, ये विंटेज बहुत बहुत पुरानी है एक्चुअली। इसका क्या रहा मुझे होगा। या दिस इज माय कलेक्शन ऑफ कैफी आजमी, तो ओ वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी।
मनीष जी इसके ऊपर काफी, क्योंकि इन्होंने काफी माइथोलॉजिकल सुनाई है हमारे को पोएट्रीज। आई रिक्वेस्ट मनीष जी टू से। यस प्लीज। नहीं राजा जी, तपस्या जी ने जो ये नज्म सुनाई है ये मैंने सुनी नहीं थी, पढ़ी भी नहीं थी। मैंने काफी ढूंढा था जब उनके बारे में प्लान हुआ था। मैंने काफी गाने उनके सुन रखे हैं, काफी गजलें और नज्में भी सुन रखी, पर ये अनफॉर्चुनेटली नहीं। ये शायद मेरे पास जो इंडिया में बुक रखी हैं उनमें से एक कैफी आजमी की जरूर बुक होगी, उसमें जरूर होगी, कभी पढ़ी होगी पर अब याद नहीं आई। पर तपस्या जी, जिस तरह आपने सुनाई, जिस तरह आपने रिसाइट किया इसको, और एक समय के बाद मैं वो लिंक बना पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। कृष्ण के माध्यम से अर्जुन किसको कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं, हमें किस पड़ोसी से संभलना चाहिए, किस जी तरीके से उसके साथ में व्यवहार रखना चाहिए। और जी बहुत अच्छे शब्द हैं उनके, उस पर तो हम कमेंट क्या ही करें, पर बहुत अच्छे से आपने सुनाई, बहुत ही बढ़िया नज्म है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया। इसके ना मैं बीच बीच में, काफी मुश्किल लफ्ज हैं पर हर एक लफ्ज का मतलब बताने जाओगे तो बहुत देर हो जाती है, सो आई जस्ट बिल्कुल, नहीं अवॉइडेड नहीं नहीं दैट। बिल्कुल। अनु, ये तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही थी ये नज्म, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले भागवत गीता पढ़ी थी तो आई कुड रिलेट मैनी थिंग्स दैट यू रिसाइटेड, एंड यू रिसाइटेड ब्यूटिफुली। तो वो कर्म की बात बता रहे हैं, ही वाज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ओ गॉड, ये क्या हो गया? बत्तीगुल बत्तीगुल नहीं, नेटवर्क चला गया शायद। नेटवर्क जाने से ऐसा नहीं जाता। शी इज बत्तीगुल कनेक्टेड, ऑलरेडी कनेक्टेड, लाइट चली गई। ही है चलिए कोई बात। उनकी आवाज रेखा तो जी, आती। रेखा जी, हेलो हाँ जी जी, जी बहुत अच्छा बताया मैम ने, बहुत अच्छा लगा अरे मुझे सुन सभी को के। मैम कहते हो आप मेरे कॉलेज में ना हम एक दूसरे को सर और मैम ही बोलते हैं, तो वही आदत है मेरी। जरा जरा आप बोलिए तपस्या, सी सच अ ब्यूटीफुल नेम, यस, थैंक तपस्या। यू। तपस्या नाम लेने में मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाती हूँ। बस बहुत अच्छा लगा मैम सुन के, बहुत अच्छी आज का मेरे ख्याल से। कोशिश करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ कीजिए अच्छा लगा मेरे को, और आज मेरे को सीखने का भी, सबसे शेरो शायरी जो है या जो भी एक तरीके से सॉन्ग्स भी हैं, सब बहुत मीनिंगफुल हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओके रंजीत। मैम, आई थिंक द पोएट्री वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल व्हाट आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट मैम इज योर कॉन्फिडेंस, राइट? सो आई रियली लव द वे यू काइंड ऑफ रिसाइटेड द पोम, एंड वी कुड फील इट, राइट? सो द इमोशन ऑफ वॉट द पोएट इज गोइंग थ्रू एंड ऑल ऑफ दैट, वाइल आई कुडंट अंडरस्टैंड एवरी लाइन, एंड फ्यू लाइन्स एक्चुअली स्टक विद मी, especially the line about the neighbors, love, padosi, that line was pretty good. So certain lines stuck with me, but I really loved the way you recited it and the confidence with which you kind of delivered it. So thank you so थैंक much. यू सो मच, थैंक यू। अनु, आप चले गए थे, नेटवर्क चला गया सॉरी था यस आई आपका। ब्रोक ऑफ इन बिटवीन, पावर कट हो गया था या प्लीज तो फिर कैरी ऑन। मैंने, नहीं मैं बस यही बोल रही थी कि इट वाज ब्यूटीफुली रिसाइटेड एंड काफी थैंक यू कुछ अनु, रिलेट कर पाई। मैंने भागवत गीता अभी कुछ महीने पहले ही पढ़ी थी तो वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी जी। नमस्ते जी, आई हैव बीन फॉलोइंग योर पोएट्री एंड वाकई में यू हैव योर ओन स्टाइल ऑफ रिसाइटिंग इट। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, डिवाइनली कनेक्टेड एंड बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता है। मीन्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू फॉर रिसाइटिंग दिस। दिव्या थैंक यू जी। लक्ष्मी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तपस्या फॉर ब्रिंगिंग दिस फ्रॉम योर कलेक्शन, बिकॉज मतलब मैं अगर सच बोलूँ तो मैं कैफी आजमी साहब को सिर्फ गानों के जरिए जानती हूँ, पर आपने जो इंट्रोड्यूस किया है वो आपने आपका कलेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सो दिस इज़ इन अ वे अ वेरी वेरी प्रेशियस गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस टुडे, क्योंकि उन्होंने अपना अपना कलेक्शन हमारे साथ में शेयर किया। हम गाने सुनते हैं, गजरे पढ़ते हैं इधर उधर, पर अपना ये सुन के भी बहुत अच्छा लगता है, जान के बहुत अच्छा लगता है कि किसी के पास में कलेक्शन है। तो दिस इन इटसेल्फ शोज दैट यू आर यू नो थॉरो रीडर, और जिस तरीके से सुनाया गया है तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर एंड मोर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू सो मच तपस्या जी।